अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं अनीला, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मसाला किचन विद अनीला अहमद। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चॉकलेट का मिल्क शेक। बच्चों के लिए स्पेशली ये शेक बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार और ये आसान रेसिपी है, रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये। आप इफ्तार के टाइम बच्चों के लिए ये चॉकलेट शेक ज़रूर बनाएं। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाला ये शेक है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, चॉकलेट शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें व्हीपिंग क्रीम चाहिए जो केक के ऊपर लगाते हैं। स्वीट व्हीपिंग क्रीम है, 3 टेबलस्पून हम व्हीपिंग क्रीम का ले रहे हैं। बीटर की हेल्प से हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से बीट करना है ताकि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। तो जी व्यूवर्स, ये देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद व्हीपिंग क्रीम अच्छी तरह से थिक हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और शेक रेडी करते हैं। चॉकलेट शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध चाहिए, फुल फैट मिल्क है 1 किलो। कोको पाउडर ये इस्तेमाल करेंगे। चॉकलेट के हमने 2 पैकेट लिए हैं, आप ज़्यादा भी चॉकलेट ले सकते हैं। शुगर 3 टेबलस्पून और ये थोड़ी सी आइस क्यूब्स हैं ये इस्तेमाल करेंगे। और ये व्हीपिंग क्रीम जो हमने रेडी करके रख ली है। अब हमने सबसे पहले जूसर के जग में चॉकलेट ऐड करेंगे। चॉकलेट के हमने पीस कर लिए हैं, इस तरीके से हमने अब इनको ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोको पाउडर 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के लिए हाथ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे फुल फैट मिल्क। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको ग्राइंड करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स हैं और दोबारा से इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। ये देख सकते हैं व्यूवर्स, चॉकलेट शेक अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसको जग में निकाल लेते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये देख सकते हैं चॉकलेट शेक अब रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने चॉकलेट सिरप ये बना के रख लिया था। इस तरीके से हमने चारों गिलासों में इस तरह से हमने अप्लाई करना है। अच्छी तरह से हमने चारों साइड्स पे इसको लगाना है। जब हम इसमें शेक ऐड करेंगे तब ये बहुत खूबसूरत लुक देगा। अब हमने चारों गिलासों में चॉकलेट शेक को इस तरीके से डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे व्हीपिंग क्रीम जो हमने सबसे पहले बना के रख ली थी। व्हीपिंग क्रीम को हमने कॉर्न में पहले से डाल के रख ली है। अब हमने इस तरीके से चारों गिलासों के ऊपर इस तरीके से लगानी है। बहुत ही सफाई से हमने इस तरीके से इसको लगाना है। ये देख सकते हैं इसकी कितनी खूबसूरत लुक लग रही है। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे कोको पाउडर। चारों गिलासों में हल्का हल्का सा कोको पाउडर ऐड कर देंगे। तो जी व्यूवर्स, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी चॉकलेट शेक, जो बहुत ही आसान और मज़ेदार और जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। और स्पेशली बच्चों के लिए बनाइए। आप भी ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए घर में ज़रूर बनाएं। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि चॉकलेट शेक कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।